सब जानते हैं कि दंगे से किसी का भला नहीं है। कन्वेंस करा कि भाई क्यों भाग रहे हो, अगर हम लड़ेंगे तो हम अपना विनाश करेंगे, उससे ज्यादा कुछ नहीं होगा। कि जो छुटभैये नेता हैं, सरे की भैंस क्रिएट करते हैं जिससे कि माहौल जो खराब ना हो वो भी खराब होता है। सब्सक्राइब करें हमारा चैनल TNN वर्ल्ड, बेल आइकन दबाएं ताकि आप अपडेटेड रहें हमारी हर एक वीडियो से। मेरा नाम हरिओम वर्मा। हरिओम जी, दिल्ली के दंगों के बारे में आप क्या कहते हैं? मैं, यही दुकान है मेरी रिया फैशन के नाम से, और मैं यहाँ पिछले 20 सालों से शॉप कीपिंग कर रहा हूँ। यहाँ अच्छा माहौल था, भगदड़ एक दो बार मची, हम लोगों ने साइड में खड़े होकर लोगों को कन्वेंस करा कि भाई क्यों भाग रहे हो, तो वो अफवाहें सब झूठी थी। पुरानी दिल्ली का माहौल, गंगा जमुनी तहजीब का माहौल है एक तरह से। सब जानते हैं कि दंगे से किसी का भला नहीं है, दंगे विनाश का कारण बनते हैं, चाहे वो हिंदू हो मुसलमान हो, दंगा किसी का सगा नहीं है। सर, दंगों में एक बहुत ज्यादा नाम जो प्रचलित हुआ है वो है शाहरुख का। हाँ जी, हाँ जी, ठीक है, शाहरुख उसे आतंकवादी भी। शाहरुख को आतंकवादी कहना बेकार होगा मेरे ख्याल से, क्योंकि शाहरुख जो बच्चा है वो क्या है, नई एज का बच्चा है और गुमराह बच्चा है, उसे गुमराह करा गया है। मेरी अपील यही है कि उसको आतंकवादी के नजरिए से ना देखा जाए एक तरह से। पहले पूरी इन्वेस्टिगेशन करी जाए कि वो बच्चा हो सकता है कि पोस्टर बॉय और जैसे हीरोपंती के रूप में एक बार वो उभर के आने की कोशिश कर रहा हो, उसका फैमिली बैकग्राउंड शायद उसके पापा का या चाचा का कुछ खराब है, लेकिन वो बच्चा इस तरह का नहीं लग रहा मुझे, और बाकी इन्वेस्टिगेशन जो गवर्नमेंट एजेंसी करेंगी उससे क्लियर हो जाएगा। वाओ का बाजार भी काफी गरम हुआ इस बीच, उस पे क्या कहना चाहिए? अफवाह देखिए, अफवाह है, अफवाह लोग बाग फैलाते हैं, तो समझना पड़ेगा कि अफवाह ज्यादा ना फैलाई जाए किसी भी तरह की, क्योंकि हिंदुस्तान के अंदर ऐसा नहीं है कि मुसलमान आज यहाँ है या हिंदू आज यहाँ है, दोनों गंगा जमुनी तहजीब है, यहाँ शुरू से चली आ रही है और वो चलती रहेगी। उसके अंदर हमारा नजरिया पॉजिटिव होना चाहिए, लोगों को कन्वेंस करना। लड़के क्या हासिल कर लेंगे, अगर हम लड़ेंगे तो हम अपना विनाश करेंगे, उससे ज्यादा कुछ नहीं होगा। सर, इन सबके बीच में रवीश कुमार की एक रिपोर्ट आई थी, उन्होंने वो जो शाहरुख था उसको अनुराग डी मिश्रा बता दिया था, उसके बाद जो सच सबको पता ही चल गया एट दी एंड, तो उनपे क्या कहना चाहिए? देखिए, मीडिया को मैं कहना चाहूंगा अपने और पब्लिक के माध्यम से कि जो छुटभैये नेता हैं उनकी जो बहस करवाते हैं उसको बैन करना चाहिए, उसी से ये लफड़े फैलते हैं, क्योंकि वो लोग बहुत जीरो लेवल के लोग होते हैं, खुदा ना खास्ता वो पहुंच गए उन पोस्टों पे कि उन्हें इनवाइट करा जाता है, उन लोगों को बिल्कुल बैन करना चाहिए। उन्हीं की बहस से आप देखेंगे ना, क्योंकि उन पर जवाबदारी कुछ नहीं होती, और वो लोग इस तरह की बहस क्रिएट करते हैं जिससे कि माहौल जो खराब ना हो वो भी खराब होता है।